स्वागत है दोस्तों आज के 8 PM न्यूज बुलेटिन में। आज की खबरों में होंगे, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी। बेसिक स्कूलों का 100% पाठ्यक्रम डिजिटल हुआ। भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार का समर्थन किया। NGT ने NCR में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी लगाई। भारत और मालदीव ने आपसी संबंधों की मजबूती के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आइए चलते हैं अब आज की पहली खबर पर। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ये रिपोर्ट सौंप दी है। 15वें वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र, साथ में सचिव अरविंद मेहता भी इस मौके पर मौजूद थे। इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक है, कोविड के दौरान वित्त आयोग। इस रिपोर्ट के कवर पर राज्यों और संघ के बीच संतुलन दर्शाने के लिए तराजू के चित्र का उपयोग किया गया है। विचारणीय विषयों की शर्तों के अनुसार आयोग को 2021-22 से 2025-26 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए 30 अक्टूबर 2020 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। पिछले वर्ष वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इस रिपोर्ट को 30 जनवरी 2020 को संसद के पटल पर भी रखा था। आयोग से जिन विचारणीय विषयों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया था, उनमें से कुछ विषय हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर विचलन, स्थानीय सरकारी अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान। इसके अतिरिक्त आयोग को विद्युत क्षेत्र DBT को अपनाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के कार्य का प्रदर्शन और प्रोत्साहन की जांच करने और उन विषयों पर सिफारिश करने के लिए भी कहा गया था। आयोग से रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए अलग तंत्र के विकल्प के बारे में विचार करने और यदि ऐसा संभव है तो ऐसे तंत्र के संचालन के बारे में भी कहा गया था। यह रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई है, जिनमें पहले खंड और दूसरे खंड में मुख्य रिपोर्ट शामिल है। खंड 3 केंद्र सरकार से संबंधित है तथा खंड 4 पूरी तरीके से राज्यों के लिए। अब आज की दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। बेसिक स्कूलों का 100% पाठ्यक्रम डिजिटल हुआ। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूलों के 100% कोर्स को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर भी एक नज़र डालते हैं। 5 विशेषज्ञों और 72 शिक्षकों की टीम ने 560 शैक्षिक वीडियो में इस पाठ्यक्रम को डिजिटल बनाया है। 12 नवंबर 2020 से दूरदर्शन इन वीडियो का प्रसारण शुरू करेगा और यह 5 दिसंबर तक चलेगा। COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई शिक्षा को ध्यान में रखकर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों के पूरे कोर्स को डिजिटल फॉर्मेट में बनाया गया है। विशेषज्ञों ने 6 विषयों के 192 टॉपिक को चुनकर इस पाठ्यक्रम का खाका तैयार किया है, जिससे कि वीडियो देखने के बाद छात्रों में उस विषय से संबंधित कोई अन्य प्रश्न ना बचे। भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार का समर्थन किया। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत ने नव विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में विस्तार करने का समर्थन किया है। इससे जुड़ी मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी भागीदारी की। वित्त मंत्री ने कहा कि सहमति वाले समाधान से कर प्रणाली में निष्पक्षता, समानता और स्थिरता सुनिश्चित होगी। भारत की तरफ से वित्त मंत्री ने NDB की सदस्यता के विस्तार को महत्वपूर्ण बताया और कहा इससे क्षेत्रीय संतुलन मजबूत बनेगा। ब्रिक्स के इस बैठक के एजेंडे में 2020 में G20 की सऊदी की अध्यक्षता और उसके बाद परिणामों पर चर्चा के अलावा
बुनियादी ढांचा निवेश और न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के विस्तार के लिए एक डिजिटल मंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। अब एनडीबी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स के 2014 के सम्मेलन में, जो कि सियेरा ब्राज़ील में हुआ था, 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी। इसके अध्यक्ष मार्को स्ट्रैजो और महासचिव केवी कामत। अब चलते हैं आज की चौथी खबर पे। एनजीटी ने एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी लगाई। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 9 नवंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक पटाखों की बिक्री और उसे जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। इससे जुड़ी मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का यह प्रतिबंध उन शहरों और कस्बों पर भी लागू होगा जहां की हवा गुणवत्ता वायु गुणवत्ता सूचकांक में निचले स्तर पर होगी। कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक इस बारे में उचित आदेश जारी कर सकते हैं और जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इसके लागू करने के दिशा निर्देश भेज सकते हैं। एनजीटी ने उन शहरों में हरित पटाखों को 2 घंटे तक चलाने की अनुमति दी है जहां की वायु गुणवत्ता अच्छी और मध्यम स्तर की है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही संबंधित राज्यों और शहरों में पटाखों के इस्तेमाल और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आइए रुख करते हैं आज की पांचवी खबर पे। भारत और मालदीव ने आपसी संबंधों की मजबूती के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत और मालदीव ने भारतीय विदेश सचिव हर्ष वर्धा श्रृंगला और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद की मौजूदगी में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP सहित 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे जुड़ी मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं। हस्ताक्षर समारोह में मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा मूल्यों और संस्कृति व परंपराओं पर आधारित हैं। मालदीव के विदेश मंत्रालय के अनुसार GMCP और खेल पर समझौता ज्ञापन के अलावा दोनों देशों ने उच्च प्रभाव क्षमता वाली सामुदायिक विकास योजना HICDP के अंतर्गत 2 अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हनी माधु में एक कृषि अनुसंधान केंद्र तथा ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन केंद्र के निर्माण में भारत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।